तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फोटो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में, जिसके थ्रू आप फोटोज़ वगैरह एडिट कर सकते हो। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मतलब कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, जिसके थ्रू आप मतलब कर्व वगैरह आप कर सकते हो, कलर वगैरह जो मतलब RGB के जो पैटर्न्स होते हैं, अगर आपने आप जानते होंगे तो RGB को मतलब किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है अपने मतलब फोटोज़ के अंदर। और भी काफ़ी सारे टूल्स आपको इसके अंदर मतलब अपने फोटोज़ को एडिट करनी है या फिर कलर ग्रेडिंग करनी है या फिर मतलब काफ़ी सारे आपको मतलब टूल्स मिल जाते हैं अपने फोटोज़ को एडिट करने, और कौन कौन से मिलते हैं मतलब उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप जैसे गैलरी का ऑप्शन ओपन करके आप कोई फोटो वगैरह आप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप एक्सपोजर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सपोजर यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, और यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ। यहाँ पर डन करने के बाद यहाँ पर आपको कर्व का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप कुछ ब्लैक्स वगैरह यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पर मैं तो यहाँ पर आप चाहे तो आप जो RGB को उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, या फिर रेड ब्लू ग्रीन एक सेपरेट कलर्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने वीडियोस के अंदर इन कलर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसके यहाँ पर आपको बैक लेते हो, यहाँ पर मैं डिस्कार्ड चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पर लेवल्स का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप जो आपके लेवल्स हो तो उसको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अपनी एक प्रोफेशनल लेवल का यहाँ पर आपको गैमा कितना रखना है, आपको इनपुट आई कितना रखना है वगैरह, आप सारी चीज़ें आप इसके थ्रू आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से। तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसे बैक ले लेता हूँ। तो आप उसे कितना कस्टमाइज़ करना हुआ यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर इफेक्ट्स का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे इफेक्ट्स यहाँ पर मतलब जो प्रीसेट्स होते हैं उसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, इस इफेक्ट को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इफेक्ट टू इफेक्ट थ्री वगैरह फ्रेम्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो फ्रेम्स होते हैं उसको यहाँ पर किस तरीके से कस्टमाइज़ करना हुआ। यहाँ पर मैं फ्रेम्स वगैरह यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। करेक्शन का ऑप्शन आता है, डीनेस का ऑप्शन आता है, अगर आपकी वीडियो के अंदर नॉइस है, नॉइस का मतलब होता है जो छोटे मतलब जब भी आप किसी लो रेजोल्यूशन के अंदर कोई फोटो वगैरह क्लिक करते हो उसके तो उसके अंदर आपके वीडियो के अंदर नॉइस आती है, तो उस नॉइस को आप डीनॉइस कर सकते हो। ड्राइंग का ऑप्शन आता है, पिक्सल्स का ऑप्शन आता है, पिक्सल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, पिक्सल क्लोन वगैरह कटआउट टेक्स्ट इमेज वगैरह आप ऐड कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर। अगर कोई इमेजेस वगैरह या फिर टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना होता है, यहाँ पर स्ट्रेथन वगैरह का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पर जैसे कोई आपको ऑप्शन आता है रिसाइज फिट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर आप इमेज को सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे PNG, GIF, WAV, PDF, PTC एक्सेट्रा, जो भी आपको जिसके अंदर आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं सेव एज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इसे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे ऊपर ओके कर लेता हूँ। बात करते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने की लिंक मैंने पिन कमेंट्स के अंदर दे रखी है, तो पिन कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिलेगी, तो सिंपली आपको उस लिंक को आपको क्लिक कर लेना। आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके आपको बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर उसके बाद अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना है, आपने दोनों यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है।